हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम विशाल शर्मा, स्वागत सबको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। आज आपको बता रहा हूँ काम के बारे में, जॉब कैसे मिलेगा तुझे, ठीक है। जॉब कैसे लगेगा तो पहले बता दूँ, जॉब लगने के कारण आप लोग कभी भी विजिट वीजा से आएँ, किसी एजेंट द्वारा ना आएँ, अपने खुद का विजिट वीजा निकालें, उससे आके आप दुबई में काम खोजें। आपको जिस लाइन में आपको काम मालूम है, चाहे आप मैकेनिक रहें, चाहे किसी भी लाइन का ट्रेंड में आपको काम मालूम है, तो आपको उस लाइन में काम आपको मिल जाएगा। बट आप विजिट वीजा पे आए, किसी एजेंट द्वारा ना आए, क्या समझेंगे, किसी एजेंट द्वारा नहीं आए आप। एजेंट द्वारा आएंगे आप दुबई में फंस जाएंगे, ना आपका सैलरी सही लगेगा, सब चीज़ चौपट हो जाएगी, सैलरी कम लगेगा, कुछ भी आपको मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी आप आएँ तो विजिट वीजा पे आएँ, दुबई काम खोजें। इस टाइप तो पाकिस्तान का वीजा बंद है, बट इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका लोग बता रहा हूँ, आप लोग आए तो विजिट वीजा लिखाएं, ठीक है, नेपाल वाले लोगों को। तो अपना खुद का विजिट वीजा निकालो, उसके बाद दुबई आओ, इंडस्ट्रियल एरिया में घूमो, ठीक है, जिस ट्रेड में आप लोग फील्ड में आप हैं। मैं अपने मैकेनिक भाई लोगों को और बता रहा हूँ, आप अगर मैकेनिक है तो इंडस्ट्रियल एरिया में घूमो। इंडस्ट्रियल एरिया इधर किसी रोड पर नहीं वर्कशॉप रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कशॉप रहता है। तो मैकेनिक का काम आपको इजीली मिल जाएगा भाई, समझ गए। बट आप विजिट वीजा पाएँ दुबई आएँ तो आने से पहले ये भी बता दे रहा हूँ, अपने ऊपर से अपने विश्वास पे आना कि हम मैं काम खोज लूँगा, कि मैं काम कर लूँगा वहाँ पे। आप अपने खुद के वीजा निकालें, लेकिन भाई लोग बता दे रहा हूँ आपको काम मिल जाए भाई, बोल नहीं रहा हूँ विश्वास अपने, अगर आपको अपने विश्वास है कि मैं काम खोज लूँगा दुबई में, दुबई जाऊँगा तो मैं काम खोज लूँगा, आप काम खोज लेंगे तो अपने पे आएंगे, ठीक है, कि मैं दुबई काम खोज लूँगा तो मैं काम कर लूँगा, मैं वहाँ पास हो जाऊँगा, टेस्ट दूंगा तो पास हो जाऊँगा, तब आप विजिट वीजा निकालें तब आएँ। ए नहीं मैं बोल दिया आप विजिट निकालो दुबई आ जाओ काम मिल जाएगा, ऐसे नहीं। आपको अपने पे खुद पे विश्वास होगा कि मैं काम खोज लूँगा, मैं काम कर लूँगा, कोई भी मुझे गाड़ी देगा, किसी भी अगर जॉब कार्ड आरो बना के दे दिया कि मैं गाड़ी का काम उतना जॉब कार्ड का लिस्ट रहेगा, अगर जितने लिस्ट में तुम काम कर लिए तुमको सेलेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है। मेरा भी ऐसे ही टेस्ट हुआ था, मुझे यहाँ इसी गैराज में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब कार्ड पे लिस्ट बना के दिया गया था कि ये काम करना है गाड़ी का। तो मैं इंडिया में काम किया था, वही साल भर काम किया था, ठीक है, पर साल भर में रेगुलर काम नहीं किया था, बीच में छोड़ छोड़ के घर के जाके मैच खेलता था, क्रिकेट खेलता था, ऐसे काम करता था, छुट्टी मारता था, ठीक है। साल भर हुआ काम किया, यहाँ पर मिला तो मुझे यहाँ पे एक लड़के पाकिस्तानी लड़के हैं, ठीक है, पाकिस्तानी लड़के थे, तो एक लड़का था पाकिस्तानी, तो बहुत मेरा हेल्प किया मेरे गाँव, वो तो बताता था इसको ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, ठीक है, वही करके मैं यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया हूँ। तो मुझे यहाँ दो साल हो गए, अढ़ाई साल हो गया मुझे। तो आप लोग कभी भी आएँ तो अपने खुद के विश्वास पे आएँ कि मैं यहाँ काम मिलेगा तो मैं काम कर लूँगा, तो मैं यहाँ करूँ, क्या समझ रहे हो आप लोग, अपने खुद के विश्वास पे आओ। अब दुबई में बहुत काम है यार, बहुत काम है, गिनती नहीं है, काम बहुत है, किसी भी ट्रेड में काम बहुत है, किसी भी ट्रेड में आपको काम मिल जाएगा भाई। आप मैकेनिक भाई लोग अपने खुद पे विश्वास पे आना, ठीक है, कितना सैलरी है कितना नहीं आपको मिलेगा सैलरी, इंडिया के 45 से 50 हज़ार मिलेगा नॉर्मल, इतना ही मिलेगा स्टार्टिंग में, 40 से 45 50 के बीच के अंदर ही मिलेगा, फ्रेशर में, दुबई फ्रेशर में, गल्फ कंट्री का फ्रेशर एक्सपीरियंस नहीं है तो, समझो भाई लोग। ये मेरे बहुत पॉइंट आ रहा आ रही बात, काम कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे काम आऊँगा तो दिला दूँ, मैं दुबई में काम में नहीं दिला पाऊँगा, मैं छुट्टी बताओ यार, मैं जब छुट्टी होता तो मैं रूम पर चल जाता हूँ, काम के टाइम पर मैं बाहर निकलूँगा नहीं, ना खोजूँगा जॉब इधर होगा जॉब इधर होगा, बट इतना बता दूँगा दुबई में किस साइड वैकेंसी निकला है, ठीक है, किस गैराज में खाली है ये बता सकता हूँ, ओके। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में लाल वाला बेल आइकन है घंटी वाला चीन उसे दबा लो, ठीक है, कोई भी वीडियो डालूँ अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए दुबई का। लग्जरी कार मैकेनिक का वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भाई, भाई हर गाड़ी का वीडियो मिल जाएगा, जर्मनी गाड़ियों का, ओके। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो इतना ही।